वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां दारागंज पुलिस ने बुधवार रात अनैतिक कार्य में जुड़े 5 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनको दारागंज और नैनी क्षेत्र के 3 मकानों से दबिश देकर पकड़ा गया। युवती करैली, फरीदाबाद और नैनी क्षेत्र की रहने वाली हैं। पुलिस ने पूछताछ पर रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। बुधवार रात दारागंज पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के एक मकान में कुछ युवती और युवक मौजूद हैं, जहां देव व्यापार का धंधा चल रहा है। खबर पाते ही पुलिस ने बताया कि मकान में दबिश दी और युवती मिली। यहां एक युवक को भी पकड़ा गया। इनसे पूछताछ के बाद एक युवक मकान में दबिश देकर एक युवती और युवक को दबोचा गया। इसके बाद पुलिस ने पुराने यमुना पुल के पास स्थित फूल मंडी के पास एक घर में दबिश दी, जहाँ दो युवती और एक को हिरासत में लिया गया। थाने लाकर इन सभी से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये देव व्यापार के धंधे में लिप्त हैं। इंस्पेक्टर दारागंज धारेश्वर सिंह के कहना है कि देव व्यापार में लिप्त युवतियां शहर के करैली, खुलदाबाद और नैनी के रहने वाली हैं। उन्हें अभी पूछताछ की जा रही है कि धंधे में कितने और लोग भी शामिल हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।